नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU समस्तीपुर बिहार ने निकाली रिक्तियां। बिहार में जल्द आएगी नई फिल्म नीति। बिहार सरकार ने इन व्हाट्सएप नंबर से सतर्क रहने का जारी किया अलर्ट। UPSC परीक्षा में बिहार से पास करने वालों को CM नीतीश ने दी बधाई। आज से नियमों में हो जाएगा बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU समस्तीपुर बिहार ने निकाली रिक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU समस्तीपुर बिहार ने फील्ड सहायक, तकनीकी सहायक, इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक, कलाकार, सह फोटोग्राफर, नर्स, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के कुल मिलाकर 68 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें कृषि, व्यवसाय, प्रशासन, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फोटोग्राफी, नर्सिंग, पैथोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन आदि है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक, ITI, स्नातक, डिप्लोमा, प्रासंगिक अनुशासन या विषयों में डिग्री अनिवार्य किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। बीते दिन बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों को पटना समाहरणालय में प्रतिनियुक्त कर दिया है। खबर के अनुसार ये सभी प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी आगामी 5 जून को आयोजित UPSC एग्जाम में परीक्षा केंद्र पर जोनल दंडाधिकारी और सहायक समन्वयक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। इन सभी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना समाहरणालय में अटैच किया है। इसके साथ ही सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी 3 जून को पटना DM की आयोजित ब्रीफिंग बैठक में भाग लेंगे, साथ ही उनके अंडर कार्य संपादन करेंगे। वहीं जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उसमें एकता वर्मा, अजीत वत्सराज, पूनम कुमारी, मनोज कुमार झा, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, राजेश परिमल, राम कुमार पोद्दार, शाहिद परवेज, नजर हुसैन, अनिल कुमार, राहुल बर्मन, दिलीप कुमार अग्रवाल, मनीष कुमार शर्मा समेत अन्य के नाम शामिल है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निखिल कुमार की। निखिल कुमार भारत के केरल राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें नागालैंड के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित करके केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं और वहां से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1963 बैच के अधिकारी हैं। वो दिल्ली के पुलिस आयुक्त, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार भी बनाया गया था। बाद में वो राजनीति में आए और औरंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। बिहार सरकार ने इन व्हाट्सएप नंबर से सतर्क रहने का जारी किया अलर्ट। बीते दिन बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्विटर पर 2 व्हाट्सएप नंबर साझा किए। संजय कुमार झा ने इस संबंध में बिहार पुलिस से मदद मांगी है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह के संदेश पर ध्यान ना दिया जाए। बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी तो आम आदमी, अब मंत्री जी भी इस गड़बड़ झाले का शिकार बन रहे हैं। संजय झा ने ट्वीट पर लिखा है कि मेरे नाम से 2 फर्जी व्हाट्सएप नंबर 8795270430 और 9883700234 से लोगों को मैसेज किया जा रहा है। उन्होंने दोनों नंबर को साझा करते हुए लोगों से अनुरोध किया है कि इस तरह के मैसेजेस पर ध्यान ना दें। उत्तर और पूर्व बिहार में अगले 3 दिन तक आंधी पानी का अलर्ट। बिहार में बारिश को लेकर एक बार फिर से बारिश का अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट के अनुसार अगले 3 दिन और जारी रहने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट को देखें तो इसमें बताया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही ठनका गिरने के आसार है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पिछले 36 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधान रहने की नसीहत दी है। इस दौरान प्रदेश के अन्य इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की पूरी संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में 3 दिन पहले मॉनसून आ गया है, लेकिन अभी बिहार में इसके आने में 12 दिन से अधिक समय लगेगा। बिहार में जल्द आएगी नई फिल्म नीति। बिहार में भले ही आज कई कलाकार फिल्म और टीवी की दुनिया में बिहार का मान बढ़ा रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इन कलाकारों ने ये मुकाम बिहार से बाहर रहते हुए हासिल किया है। लेकिन अब बिहार भी फिल्म जगत में विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार की नई फिल्म विकास और प्रोत्साहन नीति जल्द अस्तित्व में आएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि कला संस्कृति और युवा विभाग ही नई फिल्म नीति बनाने के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इसके पहले ये दायित्व पर्यटन विभाग को दिया गया था। खबर के अनुसार इसे अंतिम रूप
देने के लिए कला संस्कृति और युवा विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम आवश्यक कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि नई फिल्म नीति को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसके बाद ही अब चर्चाएं भी तेज हो गई है। आज से नियमों में हो जाएगा बदलाव। आज से एक नए महीने की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आज से नए नियम भी लागू होने वाले हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसे हम EBLR 40 बेसिक पॉइंट्स बढ़ाकर 7.05% पर कर दिया है। स्टेट बैंक ने बताया है कि लेंडिंग रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नियम 1 जून 2022 से लागू होने जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुल्क के नियम में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के तहत POS मशीन और माइक्रो ATM जैसे सपोर्ट इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि EPS पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट से ज्यादा सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक के तहत अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बचत और वेतन के लिए औसत मासिक शेष राशि 15,000 रुपया से 25,000 रुपया 1 लाख की अवधि जमा की गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से महंगा होने वाला है। 1 जून से मोबाइल ऐप के नियमों में भी बदलाव होने वाला है, जैसे कि एप्पल के नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही 1 जून से आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ATM से पैसे निकाल पाएंगे। केंद्र के सहयोग से बिहार में बनी सड़कों की नितिन गडकरी ने की समीक्षा। बिहार में केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सड़क और पुल परियोजनाओं की समीक्षा बीते दिन नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। इसमें राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विभाग के आला अधिकारी और इंजीनियर सहित NHAI के भी आला अधिकारी और इंजीनियर शामिल रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य की महत्वाकांक्षी NH परियोजनाओं में शामिल 6 लेन वाराणसी औरंगाबाद, NH2, 4 लेन पटना गया डोभी, NH83 और 2 लेन मंझौलिया चुरौत, NH527C सड़क निर्माण 8 साल बाद भी अधूरा है। दूसरी तरफ पटना गया डोभी सड़क सहित अन्य सड़कों में निर्माण में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। वैशाली के राजा विशाल का गढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्राचीन समय में राजा विशाल का गढ़ रहा यह स्थान आज वास्तव में एक छोटा टीला है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया का पहला गणराज्य कहे जाने वाले वैशाली का इसे प्राचीनतम संसद समझा जाता है। इसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है और 43 मीटर चौड़ी खाई है। इस संसद में 7,777 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। ये भवन आज भी पर्यटकों को भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का दिखा विरोध। पेट्रोल डीजल की कीमत घटने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई और डीलर कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य पटना जिले के विभिन्न तेल डिपो पर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। हालांकि पेट्रोल डीजल की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में जारी रही। इनका कहना है कि अचानक 9 से 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है, इससे एक दिन में औसतन 12 से 15 लाख का घाटा हो रहा है। बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अनुसार एक दिन के आंदोलन लगभग 108 लाख लीटर पेट्रोल डीजल का उठाव नहीं हो पाएगा, जबकि बिहार में हर दिन 750 टैंकर पेट्रोल डीजल का उठाव होता है, जो कि हुआ नहीं। वहीं बीते दिन हुए विरोध में सड़कों पर तेल टैंकरों की लंबी कतारें लगी देखी गई। वहीं एसोसिएशन के लोगों से बातचीत भी की गई। UPSC परीक्षा में बिहार से पास करने वालों को CM नीतीश ने दी बधाई। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया। इसमें बिहार समेत अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह रही कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 में लड़कियों ने बाजी मारी है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए इन अभ्यर्थियों को बधाई दी है, जिसके तहत ही बीते दिन अपना पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। इस बार संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 में लड़कियां रही हैं। टॉप 3 स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री श्रुति शर्मा, सुश्री अंकिता अग्रवाल और सुश्री गामिनी सिंगला को विशेष तौर पर बधाई। EKYC करवाने का मौका अब 31 जुलाई तक। किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अहम सूचना। केंद्र सरकार ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए किसान सम्मान योजना में EKYC का समय सरकार ने 2 महीना और बढ़ा दिया है, यानी कि अब किसान 31 जुलाई तक EKYC करा सकते हैं। साथ ही EKYC से वंचित किसानों के भुगतान पर रोक इस बार के लिए हटा दिया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 87,700 ऐसे किसान अब भी लाभ से वंचित रहेंगे। इनका खाता अभी दुरुस्त नहीं हुआ है। बीते दिन ही राज्य के 82,57,666 किसानों के खाते में योजना की 11वीं किश्त की 651,53,32,000 रुपए की राशि भेजी गई है। सबसे खास बात यही रही कि इस बार EKYC नहीं कराए किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि सरकार ने पहले की तरह उन किसानों के मोबाइल में भी EKYC की सुविधा दे दी है जिनका नंबर आधार से लिंक है।
बिहार के जिलों में बढ़ा ओरल कैंसर का प्रकोप। बिहार के लगभग 14 जिलों में ओरल कैंसर का प्रकोप बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस जिले में मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की तरफ से मरीजों की जांच में बढ़ते कैंसर का मामला देखने को मिला। इसका मात्र कारण खैनी, गुटखा और सिगरेट का सेवन है। दुखद पहलू ये भी है कि युवाओं में इस तरह के नशे की लत अधिक लग रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र चोरी छिपे शौकिया खैनी और पान मसाला का सेवन करते हैं और बाद में इसकी गिरफ्त में चले जाते हैं। हालांकि बिहार में इस पर अंकुश लगे इसके लिए कैंसर अस्पताल की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को मुंह के कैंसर से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और पान मसाला सहित खैनी के सेवन से लोगों को दूर रखा जाए। सेवानिवृत्त 22 रेल कर्मियों का किया गया समापक भुगतान। बीते दिन पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल की तरफ से मई में सेवानिवृत्त हुए 22 रेल कर्मियों का समापक भुगतान किया गया। दानापुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में कर्मियों को समापक भुगतान और विदाई दिया गया। इसमें रेल सेवा से सेवानिवृत्त उपस्थित रेल कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक दानापुर प्रभात कुमार ने अंगवस्त्र और बैग देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी ने किया। उन्होंने समापक भुगतान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वहीं मंडल रेल प्रबंधक दानापुर ने अपने संबोधन में उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की कामना की और कहा कि रेल प्रशासन भविष्य में भी आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। राज्यसभा प्रत्याशी शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने किया नामांकन। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए बीते दिन भाजपा की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने अपना नामांकन कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों प्रत्याशी पहले ही नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, लेकिन कागजातों के अभाव में नामांकन नहीं हो सका था। नामांकन के बाद भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की बात कही है। इस दौरान ही सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जब जिंदगी मिली है इतनी बड़ी, तो जिम्मेदारी भी मिलेगी। हमेशा जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास रहा है, आगे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करता रहूंगा। आपको बता दें कि मंगलवार का दिन नामांकन का अंतिम दिन रहा। बिहार में राज्यसभा चुनाव का शोर थम चुका है। पांचों सीट पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। भाजपा ने दिखाया लालू यादव को आईना। बिहार में राज्यसभा चुनाव की चर्चा के बीच विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, जिसके तहत ही बीते दिन राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी। हालांकि भाजपा को राजद के उम्मीदवारों का चयन पसंद नहीं आया, जिसके बाद ही भाजपा ने राजद को आईना दिखाने का काम किया है, जिसके तहत ही नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोलते हुए सवाल किया कि जब राजद के पास दो उम्मीदवारों को ही विधान परिषद में भेजने लायक संख्या है, तब उन्होंने तीसरा उम्मीदवार कैसे उतारा। राजद को तीसरा उम्मीदवार को जिताने के लिए वाम दल या कांग्रेस का समर्थन चाहिए, लेकिन दोनों ही दल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। राजद को बताना चाहिए कि उन्हें किस दल से समर्थन मिल रहा है। पहले समर्थन बताना चाहिए किसने दिया, उसके बाद उम्मीदवार उतारने चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक शुरू। बिहार के कटिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ हो गया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुआ। ये बैठक आज खत्म हो जाएगा। वहीं बीते दिन आयोजित बैठक में भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बिहार के प्रभारी मनसुख दिलशानिया समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ही बैठक को लेकर संजय जायसवाल ने बताया कि कटिहार में ये दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके 15 दिनों के अंदर जिला कार्य समिति और फिर मंडल स्तर पर बैठक होनी है। वहीं उप मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार और पूर्णिया भाजपा के जनाधार का इलाका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2024 के आम चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जदयू कार्यालय में किया हंगामा। बीते दिन अपनी डिग्री की मांग को लेकर मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जदयू कार्यालय में खूब हंगामा किया। डिग्री की मांग को लेकर ही पहले छात्र जदयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते देखे गए, लेकिन शिक्षा मंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद जदयू कार्यालय में काफी देर तक हंगामा करते रहे और अपनी नाराजगी जताते रहे। इसको लेकर जदयू कार्यालय के बाहर काफी देर तक माहौल गर्म रहा। हालांकि बाद में हंगामा कर रहे छात्र वहां से निकल गए। इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छात्रों की मांग जायज है। हम लोगों ने 2 महीने पहले बैठक की थी। सभी कुलपतियों को कहा था कि शिक्षा विभाग चाहता है कि समय पर परीक्षा हो, रिजल्ट का प्रकाशन हो और छात्र छात्राओं को समय पर डिग्री मिले। रंजीत रंजन ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने अपना नामांकन बीते दिन दाखिल कर दिया है। रंजीत रंजन के साथ पूर्व सांसद राजीव शुक्ला ने भी राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते रविवार को भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी देर रात राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों में एक बिहार का चेहरा सामने आया था। कांग्रेस के साथ नहीं काम करने की प्रशांत किशोर ने खाई कसम।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिन मीडिया से बातचीत की और इस दौरान ही कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ने की बात तक उन्होंने कह दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ जब दिल्ली हमने चुनाव लड़ा तो वहां हमने चुनाव जीता, कांग्रेस के साथ जब चुनाव लड़े तो हार गए, इसलिए उस समय से ही हमने तय कर लिया था कि कभी भी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारी छवि भी खराब हो गई है। बिहार में बिछाई गई इतनी किलोमीटर नई रेल लाइन। बिहार में पिछले 8 साल में विकास के कई पन्ने इतिहास में दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक रेलवे की तरफ से आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का भी है, जिसमें बिहार की मदद केंद्र सरकार ने भी खूब किया है। आलम कुछ यूं रहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की मदद से रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के क्षेत्र में कई काम पूरे किए गए। इसमें इस क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा मिली है। पीएम के विजन और मार्गदर्शन में भारतीय रेल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2022 तक बिहार में 309 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ है, वहीं 370 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन और 243 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण पूरा हुआ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 1835 में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में भंग कर दिया गया। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन 1930 को डेक्कन क्वीन बॉम्बे विटी से पुणे के बीच चली। भारत और इसराइल के बीच 1992 में हवाई समझौता हुआ। एच डी देवेगौड़ा 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक अशोक कुमार का जन्म 1958 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णन मल्लेश्वरी का जन्म 1975 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म 1991 में हुआ। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक निदेशक और महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार बालराम नंदा का निधन 2010 में हुआ। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन 1996 में हुआ। सचिन तेंदुलकर ने चुनी आईपीएल 2022 की बेस्ट प्लेइंग 11। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंडियन प्रीमियर लीग में हाल ही में समाप्त हुए 2022 सीजन की अपनी बेस्ट 11 का चयन किया है। तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने सीजन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही प्लेइंग 11 का चयन किया, न कि खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा को देकर। उन्होंने अपनी टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया, जिन्होंने गुजरात टाइटंस का खिताब दिलाया है। हार्दिक पांड्या को सचिन ने कप्तान चुना है। प्लेइंग 11 की बात करें तो जोस बटलर, शिखर धवन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टोन, दिनेश कार्तिक, राशिद खान, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल। इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि सचिन ने इसमें ना तो विराट कोहली को जगह दी है, ना ही रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स को जगह दी है। जन कल्याणकारी योजनाओं को घरों तक पहुंचाना पीएम मोदी का क्रांतिकारी कदम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर समस्तीपुर शहर के 12 पत्थर स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार में प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज लाभार्थियों को सीधे तौर पर मिल रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज घर घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,88,00,000 से अधिक की राशि किसानों के खाते में सीधे तौर पर पहुंच रही है। व्हाट्सएप के इस फीचर को नहीं किया ऑन तो जाना पड़ सकता है जेल। व्हाट्सएप मौजूदा वक्त का सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन दिनों व्हाट्सएप पर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ गई है। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप की तरफ से प्राइवेसी फीचर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे तुरंत ऑन कर लेना चाहिए वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से बचने के लिए प्राइवेसी फीचर ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले व्हाट्सएप में टॉप राइट कॉर्नर पर देखने वाले 3 डॉट पर क्लिक करें, इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ ग्रुप ऑप्शन दिखेगा। ग्रुप्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शंस एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट्स और माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट दिखेंगे। यूजर अपने हिसाब से इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, ललन मोटिव, कल्याणी चौधरी, गौतम कुमार, उमेश ऋषिदेव, अजीमा फिरदौस, ऋतिक राजपूत, राजकुमार प्रसाद, कुमार गौरव, ओमकार सिंह, सुमन सौरभ यादव, कुलदीप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार हमारे 25 बड़ी खबरों में अभी भी किन किन चीजों में बदलाव और सुधार की जरूरत है, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।